नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन जनता आप तक। आज हम महत्वपूर्ण जानकारी खुलासा करेंगे कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी अचानक उसकी सरकार क्यों गिर गई। सत्ता पे बने रहने पर परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को दिए थे चेतावनी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने नजरअंदाज किया। वह यह नहीं समझ पाया कि गुरुवर श्री जो कहते हैं वह करते भी हैं, जिसका फायदा शिवराज मामा को मिला। अगर आपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर लेते तो शिवराज मामा कभी भी सरकार बनाने में सफलता ना मिलती। देखिए परम पूज्य श्री शक्तिपुत्र जी महाराज कैसे चेतावनी दिए थे कमलनाथ को इस वीडियो में। आज समाज में जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितनी भी बीमारियां हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, उनमें 50% से ज्यादा कारण शराब है, क्यों नशा है। मगर हमारे देश के राजनेताओं को विवेक ही नहीं जागृत होता, जरा सा चिंतन ही नहीं करते, जरा सा सोचते ही नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारत का गौरव बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नशे के व्यवसायों को बढ़ावा दे रहे हैं। सही मायने में तो देशद्रोही आप लोग हो, तुम देश के रक्षक नहीं हो। जो राजसत्ताएं शराब के ठेके खुलवा रही हो, उन्हें सच्चा देशद्रोही कहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और मैं सरकारों को चेतावनी भी देता हूं। भोपाल के मंच से भी मैंने चेतावनी दी थी, सामने उपस्थित होने पर भी, शिवराज सिंह चौहान के उपस्थित होने पर भी, कि प्रदेश को नशा मुक्त कर दो, दोबारा सरकार आ जाएगी। नशा मुक्त नहीं करोगे, सरकार नहीं बनेगी। मैं न कांग्रेस का विरोधी हूं, न बीजेपी का विरोधी हूं। मैं हर उस सरकार का विरोधी हूं जो जन विरोधी कार्य करता है, और उस हर सरकार का हितैषी हूं जो जनहित में कार्य करता है। और आज इस सिंगरौली के मन से भी कह रहा हूं, कमलनाथ सिंह जी सचेत हो जाओ। जो तुम्हारे कदम और बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ठेके तो थे, अब कह रहे हैं गांव गांव में उनके सब ठेके खुलवाएंगे लाइसेंस दे करके। ठेके खुलवाना तो तुम्हारे हाथ में, मगर सत्ता में बने रहना ये मेरे हाथ में। आज भी तुम्हारी कैबिनेट में दो दो तीन तीन कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जिन्हें भक्ति मानव कल्याण संगठन ने जिताया। अगर वो आवाज आज नहीं बनेंगे, नशे के व्यवसाय को नहीं रोकेंगे, तो मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं सत्ता कायम नहीं होगी। प्रदेश को नशा मुक्त करें, आने वाले 10 वर्षों तक सत्ता को सुरक्षित कर दूंगा। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। अगर मेरी सामर्थ्य को किसी को आंकलन करना हो तो मैंने 20 अध्याप जगत को चुनौती दी है कि आओ परीक्षण करने। कई बार मुझे कोई